धनबाद कोयलांचल में जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा 15 सितंबर से 25 सितंबर तक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसके तहत खनन से संबंधित अवैध अभियान पर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी कर रखी है। बीते शनिवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयले को जब्त किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में माइनिंग इंस्पेक्टर ने बताया कि 25 सितंबर तक प्रत्येक दिन लगातार इस प्रकार की कार्यवाही टास्क फोर्स द्वारा जारी रखी जाएगी। गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध भट्टा चलाया जा रहा था कोयला का, जिसमें माइनिंग इंस्पेक्टर सर, वरीय पुलिस पदाधिकारी सर से छापेमारी की। इसमें से पता चला कि अवैध भट्टा का संचालन कोयला का किया जा रहा था, जिसे जब वरीय पुलिस पदाधिकारी और माइनिंग इंस्पेक्टर सर के द्वारा जब्त किया गया। अच्छा, क्या कुछ पकड़ाया गया, माल मालिक पकड़ाया गया? इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा।